इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। आज बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान का 54th बर्थडे है। अलाइव 24 की पूरी टीम की तरफ से शाहरुख खान को बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। 2005 में शाहरुख खान को उनके भारतीय फिल्म में योगदान को देखते हुए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दिलीप कुमार के बाद शाहरुख खान ही एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट अभिनेता को 8 बार जीता है। पर क्या आप जानते हैं, शाहरुख खान के करियर का कुछ समय ऐसा भी रहा है जब वह पूरी तरीके से फ्लॉप होने लगे हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं उनके इन्हीं समय के बारे में। 1996 उनके लिए एक निराशाजनक साल रहा क्योंकि उसमें उनकी सारी फिल्में असफल रहीं। वर्ष 1999 भी उनके लिए कुछ खास लाभकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एकमात्र फिल्म बादशाह का प्रदर्शन स्मरणीय नहीं रहा और वह औसत व्यापार ही कर पाई। सन 2005 में उनकी एकमात्र फिल्म पहेली, जो कि अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित थी, बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। हालांकि उसमें खान के अभिनय को सराहा गया था। उसके बाद उनकी कई फिल्म्स ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और कई सारे अवार्ड भी जीते, पर हाल में आई उनकी फिल्म्स फ्लॉप होती दिखी, जैसे फैन, जीरो। लोगों ने यह तक कहा कि खान्स का टाइम जा रहा है, पर लोग कुछ भी कहें, हम यही कहेंगे कि वंस अ किंग ऑलवेज अ किंग। तो ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहें अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।